भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला पहला टी20 के रूप में खेला जा रहा है, जहां पर टीम इंडिया 220 के लक्ष्य का पीछा कर रही है और टीम इंडिया के 6 ओवर में 53 रन बन चुके हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम काफी ज्यादा रन रेट से पीछे चल रही है। 10 रन प्रति ओवर भारत को चाहिए थे, 11 रन की दरकार थी इवन, लेकिन यहां पर रिक्वायर्ड रेट धीरे धीरे 12 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच भारत के 50 रन तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन विजय शंकर और शिखर धवन की एक अच्छी साझेदारी हो रही थी, लेकिन शिखर धवन लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में आउट हुए। लॉकी फर्ग्यूसन के दूसरे ओवर में शिखर धवन आउट हो गए हैं और उन्हें बोल्ड किया गया है। शिखर धवन लय में लग रहे थे, उन्होंने 29 रनों की पारी खेली, 18 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 3 लंबे छक्के जड़े, 161 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। वहीं विजय शंकर फिलहाल 19 रन बनाकर नाबाद हैं। ऋषभ पंत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखा जाए तो न्यूजीलैंड के स्कोर से भी काफी ज्यादा पीछे चल रहा है भारत का स्कोर। फिलहाल 6 ओवर में 53 रन हो चुका है। अब देखना होगा कि किस तरह से टीम इंडिया मैच में वापसी करती है। 3 गेंदबाज तो भारी पड़े हैं भारत पर अभी तक, लेकिन 220 का लक्ष्य आसान नहीं है। मुश्किल तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आसान भी नहीं है। करीब करीब 12 की औसत हो चुकी है। फिलहाल करंट रन रेट भारत का 8.83 है, यानी कि 10 से भी नीचे। अब देखना होगा कि किस तरह भारतीय टीम मैच में वापसी करती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।